नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डील में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, लिहाजा जांच की कोई जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के लिए कोर्ट का यह फैसला बड़ी राहत भरी है, खासकर तब जब करीब 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हो। राफेल हवाई जहाज सिंधिया जी, दिखाइए आपको कैसे लगता है। हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। भले ही राहुल गांधी ये कहते रहे, लेकिन राफेल विमान की कीमत वाली बात पर कांग्रेस के आरोप कहीं टिकते नहीं है। जो लोग इतने साल सत्ता में रहे बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चिल्लाते रहो सत्य का गला घोटने की कोशिश है। देश की जनता भली भांति जानती है ये राजनीति का स्तर देश हित में नहीं है। और मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर, ये बचकाना बयानों से बचा जाए, ये मेरा आग्रह है।